गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब हमारे साइंस के मोस्ट ऑफ चैप्टर फटाफट कंप्लीट होते जा रहे हैं, मतलब कि वीक के अंदर 2 डेज के अंदर कंप्लीटली 2 चैप्टर हमारे फिनिश होते जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और इसके साथ ही एक और चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि जितने जल्दी चैप्टर्स फिनिश होते जा रहे हैं आपको उतनी ही जल्दी कवर भी करने हैं, ठीक है। अब स्कूल्स नहीं चल रही है, आपको घर पर बैठ के इन सब चीज़ों को कवर करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इसको पढ़ाते जा रहे हैं, कंटिन्यू पढ़ाते जा रहे हैं और आप इसको कवर करते हो नहीं जा रहे, आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब हम साइंस के जो 8th क्लास के साइंस के 2nd चैप्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई, दैट मीन्स सूक्ष्मजीव मित्र एंड शत्रु। यानी कि ये चैप्टर्स पढ़ने से पहले एक और चीज़ आपको सजेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये चैप्टर करने से पहले आप अपनी बुक्स जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी ऐसी आएगी जो अगर मैं बोल भी देता हूँ, ठीक है, तो इसको हो सकता है प्रोनाउंसिएशन आपको क्लियर सुनाई नहीं दे, या कुछ चीज़ें ऐसी हो जो आपको समझ में नहीं आओ, तो आप बुक खोल के साथ में रीडिंग करते जाएंगे, बोलता जाऊँगा, एक्सप्लेन करता जाऊँगा, आप बुक से साथ में पढ़ते जाएंगे तो आपको बड़ी ईजी पड़ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अभी हमने लास्ट टाइम जो एक चैप्टर पढ़ा था, हमारा जो चैप्टर था वो था लास्ट वाला, वो था क्रॉप्स वाला था, क्रॉप प्रोडक्शन एंड द मैनेजमेंट, ठीक है। उसमें हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ा था या मैन्योर के बारे में पढ़ा, तो हमने ये देखा था कि वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम आया था, ठीक है। वो फ्रेंडली कैसे थे, ठीक है, और कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, ये दोनों चीज़ें पढ़ेंगे। देखो, इसके नाम से पता चलता है फ्रेंड एंड कोई, यानी कि मित्र और शत्रु दोनों का वर्क करते हैं, और कैसे करते हैं हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, आपने क्या किया था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हो, ठीक है। जैसे बहुत सारे जानवर होते हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, ठीक है, ये चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, यानी कि इस दुनिया में रहती है लेकिन आपको दिखाई नहीं देती, आपको महसूस नहीं होती है, ठीक है, आप उसको फील नहीं कर पाते हो, ठीक है। और वो इतनी छोटी होती है, सूक्ष्म होती है कि आप उसको देख नहीं पाते हो, ठीक है। अब देखना, अब ये सब चीज़ें क्या होती है, हम इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि सूक्ष्मजीव, ठीक है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है, यानी कि सूक्ष्मजीव होता क्या है, अभी बताते हैं। अभी मैंने आपको कहा था कि ये सब जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, सब चीज़ें होती है, ठीक है। ये हमें दिखाई तो देते हैं, ठीक है, इनसे हमें हार्मफुल भी होता है, कुछ से हमें फ़ायदा भी होता है, जैसे कि कुछ कीड़े मकोड़े हमारे काट ले तो हमारे जहर फैल जाता है तो मर जाते हैं, लेकिन कुछ कीड़े मकोड़े जैसे हम अपना वक करते हैं, जैसे मधुमक्खी हो जाती है, या बहुत सारे जैसे जानवर होते हैं जिनसे हम अपना वक निकाल लेते हैं, फ़ायदा मिलता है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ इनकी ही क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, बैक्टीरियाज होते हैं, जो इतने छोटे होते हैं, इतने टीनी साइज के होते हैं कि इतने सूक्ष्मजीव होते हैं कि हम उनको देख भी नहीं सकते, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखने के लिए हमें एक विशेष सिस्टम चाहिए होता है, एक स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए होता है जिसके थ्रू हम देख पाते हैं, ठीक है। अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो देखना, आप किसी मिट्टी में लेना, मिट्टी को किसी चीज़ में पानी के अंदर से घोलना और उसमें से लेके थोड़ा सा ड्रॉप्स और स्लाइड्स होती है, चौकड़ सी स्लाइड्स होती है, आप तो वो छोटी क्लास में, अगर आप बायो लेते हैं फ्यूचर, ठीक है, तो आप देखोगे, आप प्रैक्टिकल करोगे तो आप बड़ी स्लाइड्स होती है, स्लाइड्स को रखने के बाद उसको दूसरी स्लाइड से प्रेस करने के बाद उसको क्या देखा, माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाता है। तो माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें हिलती डुलती नजर आएगी, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स टाइम में दिखाई देंगे आपको, ठीक है। वो जो चीज़ें होती है वो होती है माइक्रो ऑर्गेनिक्स या माइक्रोब्स बोला जाता है उनको, ठीक है। ये सूक्ष्मजीव होते हैं जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन ये प्रेजेंट होते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अभी क्या होता है कि ये मोस्टली देखा जाता है तो माइक्रो ऑर्गेनिक्स जो होते हैं इसको मोस्टली 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। वो आ रहा है बैक्टीरिया, दैट मीन्स जीवाणु, फंगी, दैट मीन्स कवक, प्रोटोजोआ, दैट मीन्स प्रोटोजोआ बोलते हैं, अलग यानी कि सिवाल। देखो, हमें क्या होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारा रेनी सीजन हो जाता है या घर पे कोई खाना बनाया हुआ था उसको लंबा टाइम हो जाता है, काफ़ी टाइम हो जाता है, तो आप उसमें क्या देखते हो कि उसमें धब्बे से बन जाते हैं या कुछ काला काला ब्लैक हो जाती है, वो चीज़ क्या होती है, ये जो चीज़ होती है इसको हमें तो अजीब सी लगती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन ये होता है बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, ठीक है, ये फंगस टाइप में होते हैं, हर चीज़ पे अलग अलग तरीके से अलग अलग बैक्टीरियाज वर्क करता है, ठीक है। तो अब ये चीज़ क्या होती है, तो आपने लास्ट वाले अपने लास्ट क्लास में 7th क्लास आपने अच्छे से पढ़ी हो तो आपकी ये बड़े अच्छे से डिटेल्स में आए थे 7th क्लास में, ठीक है। हमें इस बारे में नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ पढ़ना है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ठीक है। अब इसके साथ ही एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे आपके यहाँ डायग्राम दे रखे हैं बुक का, अगर आप खोल के रखते हो, मैंने आपको कहा था पहले खोल के रखने का, ये सारी चीज़ के डायग्राम दे रखे हैं। देखो, ये ऊपर जो डायग्राम दे रखेंगे ये है हमारे बैक्टीरिया के, ये दे रखा है ये प्रोटोजोआ के,
ये दे रखा है, ये लेग के दे रखा है, ये हमारे किसके दे रखा है, फंगी का दे रखा है, ठीक है। ये डायग्राम दे के बता रखे हैं, ठीक है। अब इनके अलावा एक और चीज और होती है जिसको बोला जाता है वायरस, ठीक है। ये तो हमारे होते हैं, ये तो टाइप्स थे, लेकिन एक और चीज होती है वायरस, ठीक है। वायरस जो होता है वो इन चारों से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इनमें काउंट नहीं होता, इनसे अलग ही होता है, ठीक है। क्योंकि एक रीजन होता है, क्योंकि चारों का जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, ये जब पैदा होते हैं, इन चारों का प्रोसेस सिमिलर पैदा होने का तरीका एक ही होता है, ठीक है। ये किसी भी चीज होती है हमारे अर्थ के ऊपर, कोई भी खराब हो जाती है तो उसके ऊपर अपना आप ही पनपने लगते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी होते हैं, ठीक है। टाइम के साथ ये प्रोडक्शन करते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, जनन करते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जो वायरस होता है, ये वायरस थोड़ा सा अलग हो जाता है। वायरस अलग क्यों हो जाता है, क्योंकि वायरस क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं होता, वो ऐसा बनता नहीं है, उसको बनाया जाता है, उसको उस एनवायरमेंट में डेवलप किया जाता है, ठीक है। इसके साथ ही वायरस क्या होता है कि किसी भी चीज पे बढ़ता नहीं है, वो सेल्स के ऊपर मल्टीपल्स होता जाता है, ठीक है। वो सेल्स के ऊपर मल्टीपल्स ऐसा होता है जैसे कि आपके फ्लू चलता है, स्वाइन फ्लू होता है, ठीक है, या जुकाम होता है, या फिर अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है, ये क्या होता है कि हमारी बॉडी को दूसरी बॉडी को टच करने पर हमारे क्या होता है, सेल्स इसके बढ़ते जाते हैं। जितने ज्यादा इसके सेल्स बढ़ते रहेंगे, ये प्रोडक्शन करते हुए अपने आप को उतना ज्यादा डेवलप करता रहता है, उतना ज्यादा बढ़ता जाता है। इसलिए ये वायरस अलग होता है और वो अलग होते हैं, इनको ये सेल्स के थ्रू बढ़ते नहीं, ये सेल्स को टच करने पर इतना डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, वायरस क्या होता है, ये सेल्स के ऊपर मल्टीपल्स होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। जैसे कि मैं खांस रहा हूँ, तो मेरे सामने वाला अगर इंसान के पास खांसने के बाद एयर के थ्रू पास हो जाते हैं, तो उसके स्किन से टच होते हैं, वहाँ उनके जो सेल्स होते हैं, जो उत्तक होते हैं, उनके साथ ये मल्टीपल्स होते हुए क्या होता है, अपने आप को डेवलप करते जाते हैं, ठीक है। ये चीज हो चुकी है। अब आती है वेयर डू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइव, ठीक है। सॉरी, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए मुझे थोड़ा सा पोस्ट करना पड़ा, ठीक है। अब हम पॉइंट पर वही चलते हैं वापस। वेयर डू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, यानी कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, ठीक है। पहली बात तो आती है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो एक कोशिकीय हो सकते हैं और बहुकोशिकीय हो सकते हैं, श्योरिटी नहीं होती है। मोस्टली जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। कहने का मतलब ये होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। दैट इज नॉट ए श्योरिटी कि वो हमेशा ही सिंगल सेलुलर बन के रहे, वो मल्टी सेलुलर भी किसी बहुत रेयर कंडीशन के अंदर बन जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो किस एनवायरमेंट में रहते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ये रहने की बात आती है, तो ये चाहे एनवायरमेंट कैसा भी हो, सब जगह अपने आप को एडजस्ट करना सीख जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज करना, मैं आपको अभी जो वायरस चल रहा है उसको लेके मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अभी कोरोना वायरस के लिए बात ये आ रही थी कि वो टेम्परेचर जहाँ ज्यादा होता है वहां पर वो एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है कि ये धीरे धीरे अपने आप को उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको डेवलप करता जाता है, अपने आप को उसके अकॉर्डिंग सेट करता जाता है। पहले ये टेम्परेचर के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि क्या टेम्परेचर कम हो या ज्यादा हो कोई मैटर नहीं करता, ये अपने आप को उस एनवायरमेंट में एग्जिस्ट करना सीख जाता है। कहने का मतलब ये कि आप कहीं पे भी चलाओ, ये अपने आप को एडजस्ट करना सीख जाते हैं, चाहे वो रेगिस्तान में हो, चाहे वो दलदल हो, चाहे जंगल हो, चाहे रेनी सीजन हो, ये सब जगह अपने आप को क्या करते हैं, अपने आप को सर्वाइव करना सीख जाते हैं। हर जगह अपने आप को रहने का तरीका ढूंढ लिया जाता है, ठीक है। तो इसके साथ ही क्या होते हैं कि ये खुद पे डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और दूसरे पे डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। खुद पे डिपेंड और दूसरे पे डिपेंडेंट का मतलब ये हो गया कि अगर ये एक कोशिकीय होते हैं या सिंगल सेलुलर होते हैं, ये कहीं पे भी कुछ भी रह सकते हैं। लेकिन जो डिपेंडेंट होते हैं, जैसे तुम्हारी होती है फंगी होती है, और ये प्रोटोजोआ शैवाल जो होती है, ये नीचे वाली अलग होती है, ये दूसरे जानवर के ऊपर डिपेंडेंट होती है। बहुत सारे, जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे कुत्ते होते हैं उनकी लार के अंदर भी बहुत सारे वायरस पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होती है, ऑलरेडी डिपेंडेंट होके चलती है। ये समझ में आ गया कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, ये चाहे कैसा भी एनवायरनमेंट हो, ये अपने आप को सर्वाइव करना, एग्जिस्ट करना सीख जाते हैं एज ए स्लोली स्लोली, क्योंकि अपने आप को डेवलप करते जाते हैं। ये ऐसे ही होता है जैसे इंसान भी अपने आप को क्या होता है, हर जगह हर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना सीख जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो थर्ड पॉइंट आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एस, यानी कि सूक्ष्म जीव और हम, क्या हमारे लिए, देखो हम इस चीज पर क्यों बात कर रहे हैं। देखो हमें इसका पहले चैप्टर का नाम पढ़ा था सूक्ष्म जीव मित्र एंड शत्रु, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंडली है या फिर कोई है, ठीक है। तो पहला पॉइंट वही आ जाता है सूक्ष्म जीव और हम, यानी कि अब उनके साथ हमारा क्या रिलेशन है, हमारे बीच में उनके बीच में क्या बॉन्डिंग है, ठीक है, वो आ रहा है।
तो देखो हमारे बीच में वो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ के लिए फायदा भी देते हैं और हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। कहीं कहीं हमें इस चीज़ से अच्छा भी फील होता है, कभी कभी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा क्या होता है हमें नुकसान भी पहुंचता रहता है। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन से हमारे फ्रेंडली और कौन से हमारे कोई होते हैं। ठीक है, बात करते हैं फ्रेंडली वालों के लिए। बहुत सारे क्या होता है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं या बात कर सकते हैं प्रोटोजोआज होते हैं, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होते हैं। ठीक है, अगर आप अपनी बुक खोल रहे हो तो बुक के अंदर अच्छे से देख लो आप एक बार के लिए। जैसे मैं आपके बता देता हूँ, हमारे जो केक होते हैं, पनीर होते हैं, ब्रेड्स होती है, ठीक है, इन सबको कौन बनाता है? ये बैक्टीरियाज तो बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा इडली होता है, डोसा होता है, इन सबको चीजों को हम जो नई चीज बना रहे हैं वो किसके थ्रू बना रहे हैं? किसके थ्रू बना रहे? सूक्ष्म जीवों के थ्रू बना रहे हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि हम क्या करते हैं, हमारे फायदे की बहुत सारी चीजों को हम किसके थ्रू बना रहे हैं, जैसे हमारी खेती के अंदर भी काम में आते हैं, क्रॉप्स उगाने में भी आते हैं, यहाँ पे भी आते हैं, बहुत सारे वाटर्स के अंदर क्या होता है किसी भी चीज को प्योरीफाई करने में भी इन चीजों का यूज होता है। ठीक है, कुछ कुछ बैक्टीरिया बहुत हमारे वाटर को खराब करते हैं, दूसरे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालने के बाद उनको खत्म किया जाता है। ठीक है, बॉडी के लिए, बॉडी के फिटनेस को रखने के लिए भी यूज किया जाता है। यानी कि कह सकता हूँ कि हमारे लिए लाइफ के अंदर फ्रेंडली तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अब उसमें से आता है मेकिंग कर्ड एंड द ब्रेड। यानी कि अब इसमें से एक पर्टिकुलर टॉपिक उठा के निकाला है। ठीक है, हमारे लिए सबसे ज्यादा जो यूज आता है हमारे डेली के लाइफ के अंदर जो बता रहा है, ठीक है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो कर्ड एंड ब्रेड, यानी कि दही और ब्रेड के अंदर सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं। इस वाले टॉपिक को सबसे ज्यादा हाईलाइट करने का रीजन सिर्फ यही है कि आप अपने डेली लाइफ में इस चीजों को नोटिस करते हो। रात को दूध जमाते हो, वो होता तो एकदम लिक्विड होता है, लेकिन दूसरे दिन क्या होता है वो थोड़ा सॉलिड टाइप में हो जाता है, जम जाता है। वो ऐसा क्यों होता है? उसके अंदर होता है क्या, प्रोसेस क्या होता है, क्या मुझे होता है? होता ही है कि जब हम क्या करते हैं कि दूध को हल्का सा गर्म करने के बाद उसमें जब दही मिलाते हैं तो दही के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। ठीक है, अब याद रखना जो दही होता है उसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। आपकी बुक के अंदर नाम है, याद रखना इस चीज का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। कौन सा होता है? लैक्टो लैक्टोबैसिलस, ये इस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है कि दही जो अपना दूध होता है उसके अंदर प्रोडक्शन करते हुए ये इनकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है। मतलब हो सकता है कि 1 मिनट के अंदर इनकी लाइफ साइकिल खत्म हो जाए, यानी कि 1 मिनट के अंदर ये पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, फिर मर जाते हैं। समझ में चीज, यानी इनकी लाइफ साइकिल बड़ी फास्ट होती है हमारी अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि धीरे धीरे क्या करते हैं उसको चेंज करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि ये उसको जो पार्टिकल्स होते हैं उसके मिल्क के दूध के उसको खाते हैं, खाने के बाद ये रिप्रोडक्शन करते जाते हैं, पैदा करते जाते हैं और अपने जैसे बहुत सारे बना लेते हैं और धीरे धीरे ये कन्वर्ट हो जाता है दूध किसमें, दही में। सिमिलरली चीज ब्रेड के अंदर भी होते हैं, ब्रेड के अंदर भी क्या होता है हल्के से रख जाते हैं, उसमें बैक्टीरिया डाला जाता है, बैक्टीरिया डालने के बाद क्या करते हैं उसको खाने जाते हैं और उसके साथ ही वो क्या कौन सी गैस रिलीज करते जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते जाते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं तो जो गैस होती है उसको निकलने के लिए भी क्या होती है, उसमें से जो हमारे जो बना के रखा है उसमें से निकलने के स्पेस चाहिए, तो क्या करते हैं उसमें छोटे छोटे छेद बन जाते हैं क्योंकि गैस निकलती रहती है और वो उसका क्या होता है वॉल्यूम बढ़ जाता है, वो फूल जाती है। ठीक है, ये सब चीजें होती है। ऐसे ही हमारी इडली भी बनाया जाता है, डोसा भी बनाया जाता है हमारे जो घरों में होता है। ये सब चीजें कैसे बनाई जाती है? ये चावल से बनाई जाती है और चावल को ही किण्वन किया जाता है। किण्वन का मतलब होता है उसको लंबे टाइम तक उसको डिकम्पोज किया जाता है। ठीक है, डिकम्पोज करने के बाद वो क्या होता है धीरे धीरे चेंज हो जाता है वन मटेरियल टू अनोदर। ठीक है, और इसके अंदर सबसे बड़ा रोल जो वर्क होता है वो होता है बैक्टीरिया को होता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला टॉपिक आता है कॉमर्शियल यूज। ठीक है, अब कॉमर्शियल यूज का मतलब ये हो गया कि हम बैक्टीरिया को नॉर्मली हम अपने घर में यूज करते हैं, लेकिन लेकिन एक हायर लेवल के ऊपर हम बैक्टीरिया को यूज करके हम अपनी बहुत सारी बिजनेस वाली चीजें करते हैं कॉमर्शियल यूज में कैसे लेते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा इसका यूज होता है हमारे वाइन्स बनाने में, एल्कोहल बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, एल्कोहल बनाने में इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, बहुत सारे फल होते हैं, उनका जूस निकाल लिया जाता है। इसके बाद जो होता है, जो आप जानते हो आपके घर में जो होता है, ठीक है, जो के पानी को भी रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद शंकर होती है, इन सबको मिलाने के बाद, शुगर को सबको मिलाने के बाद इसके अंदर जो प्रोसेस कंप्लीट करना होता है वो प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है, वो किया जाता है हमारे बैक्टीरिया के थ्रू। ठीक है, उसको बैक्टीरिया के साथ रखा जाता है और बैक्टीरिया सिमिलर प्रोसेस वैसे ही वर्क करते हैं जैसे हम दही के साथ करते हैं, वो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसको जो, ठीक है, उसको लेते जाते हैं, प्रोसेसिंग चलती जाती है और ये प्रोसेसिंग चलती जाती है जिसको हम बोलते जाते हैं किण्वन बोला जाता है। ठीक है,
इसको फर्मेंटेशन भी बोला जाता है, ये लंबे टाइम तक चलता जाता है, और इसके बाद लंबे टाइम की बात क्या होती है, जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो ये जब चीज़ें हमने डाली थी ये चेंज हो जाती है, एल्कोहल के अंदर चेंज हो जाती है। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा यूज़ हम कहाँ कर रहे हैं, इसका कॉमर्शियल यूज़ में हम वाइन बनाने में किया जाता है, जो हमारे मास वॉल्यूम के ऊपर चलती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हायर ऑयल पर चलती है। इसके अलावा देखो, व्हीट, बेलरी, राइस, इन सब चीज़ों को भी क्या करते हैं, सबसे यूज़ करते जा रहे हैं हम किसके अंदर, कॉमर्शियल यूज़ के अंदर, क्योंकि चावल को सबसे बड़ा आपको पता है किस चीज़ में यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है मेडिसिनल यूज और वैक्सीन, मैं दोनों को साथ ही बताता जाता हूँ। ठीक है, अब दोनों को देखो मेडिकल में कैसे यूज़ करते हैं। अगर सपोज करता हूँ, ठीक है, मैं कुछ खाना खाता हूँ और किसी रीजन से मैं बीमार हो जाता हूँ। ठीक है, बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर एक मेडिसिन लिख के देता है, या पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाता है, या एंटीबायोटिक देता है। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होती है, ये सब चीज़ें क्या होती है कि अगर हम कुछ चीज़ खाते हैं तो हो सकता है हमारे कुछ गलत चीज़ खाने से हमारे दूसरे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, उसकी वजह से हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का इलाज करने के लिए क्या होता है, वो एंटीबायोटिक या फिर पेनिसिलिन का इंजेक्शन जो लगाता है, ये सब चीज़ क्या होती है, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से भरे होते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, ये बैक्टीरिया बॉडी में ट्रांसफर करने के बाद जो होता है, जो हमारे जो डिजीज होती है और जो डिजीज के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं उसको क्या करते हैं, खत्म करने का काम करते हैं। जो एंटीबायोटिक होते हैं, एंटीबायोटिक के अंदर भी बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे बॉडी को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं, जो दूसरे जो वायरस होते हैं उसको खत्म करने का काम करते हैं। ठीक है, तो मेडिसिन का यूज है, यानी कि हमारे मेडिसिन के अंदर यूज दिया जाता है, बहुत सारे मेडिसिन में अलग अलग यूज दिया जाता है। जैसे सपोज करना कि अगर हमें खांसी होती है या जुकाम होता है, दैट इज ए टाइप ऑफ ए बैक्टीरिया, वायरस का टाइप है। ठीक है, तो इस वायरस को खत्म करने के लिए भी हमें क्या होती है, एल्कोहल टाइप की को हमें दवाई दी जाती है। ठीक है, वो भी हल्का सा एल्कोहल होता है, मिला हुआ होता है, तो वो क्या चीज होती है, वो भी एक तरीका का वायरस है। मैंने आपको कहा था कि अभी एल्कोहल बनाने में अभी किसका यूज कर रहे थे, अभी कॉमर्शियल यूज कर रहे थे, किसके लिए, बैक्टीरिया का यूज कर रहे थे। वही चीज़ हमारी किसके अंदर आती है वापस, हम जब खांसी हो जाती है या जुकाम होता है, कोल्ड हो जाता है, तो फिर उसके लिए क्या होता है, हमें दवाई दी जाती है, वो भी एक तरीका का बैक्टीरिया है। ठीक है, वो भी हमारे मेडिसिन में यूज कर रहे हैं। अब बात आती है नीचे वैक्सीन बनाने के लिए, तो वैक्सीन क्या चीज़ होती है कि देखो वैक्सीन का सबसे ज़्यादा, देखो वैक्सीन एक ही टाइम यूज आती है। ठीक है, परमानेंट यही होते थे, ये वायरस कभी बॉडी से खत्म नहीं होता। देखो मेडिसिन वाले में और नीचे वाले में दोनों में सबसे ज़्यादा फर्क है। ऊपर जो मैंने मेडिसिन के बताया था, मेडिसिन के अंदर जो हमारे बैक्टीरिया बॉडी में ट्रांसफर करे जाते हैं वो टाइम के साथ खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो वैक्सीन के थ्रू हमारे बैक्टीरिया बॉडी में ट्रांसफर किए जाते हैं वो टाइम के साथ खत्म नहीं होते, वो परमानेंटली बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं मैं बता देता हूँ। ठीक है, सपोज करना आप जब छोटे होते हो तो आपको पोलियो का टीका लगाया जाता है, पोलियो वाले जो आते हैं आपको ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं, पोलियो के टीके भी लगते हैं, और आपको लास्ट ईयर भी बहुत सारे इंजेक्शन लगे थे, पता नहीं किसके टीके लगे थे, वैक्सीन के टीके लगे थे। ठीक है, वह सब चीज़ें क्यों लगाई जाती है, क्योंकि क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर पहले ही ऐसे वायरस क्या होता है, एंटीबायोटिक वाले ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, बैक्टीरिया ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, कि अगर बाहर से हमारे जो वो दूसरे वायरस कॉन्टेक्ट में आते हैं तो हमारे बॉडी को पहले से क्या होता है, प्रोटेक्शन मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है, तो वायरस के भी वैक्सीन बनाई जाती है, यानी कि इसके लिए भी क्या होता है, टीका बनाया जाता है। ठीक है, ये भी बॉडी में ट्रांसफर करने के बाद क्या होता है, एंड जो वायरस होता है, जो कोरोना वायरस, उसको भी खत्म करते हुए चलता है। ठीक है, तो जो वैक्सीन होती है परमानेंटली एक ही टाइम लगती है, बार बार नहीं लगती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है, इसके आगे चलते हैं। देखो अब इसके आगे बात करते हैं, देखो अभी लास्ट चैप्टर के अंदर हमने ये बताया था कि मिट्टी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं,
जो नाइट्रो साइकिल को भी कंप्लीट करते हैं, ठीक है, और उसके अंदर मेन्यू या फर्टिलाइजर्स डाला जाता है तो वो भी वर्क करते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ वापस आ रही है, मिट्टी इंक्रीजिंग द सोइल फर्टिलाइजर ने मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने में। मैंने आपको कहा था कि कंटिन्यू एक दो तीन क्या करते हैं अपन, जब कंटिन्यू क्रॉप्स उगाने तो क्या होता है उनकी जो फर्टिलिटी होती है, मिट्टी की फर्टिलिटी वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, वो डिक्रीज हो जाती है तो उसको वापस उसी लेवल तक बनाने के लिए जो एक्सटर्नल सोर्स में जो मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर ऐड किया जाता है उनके अंदर भी क्या होता है बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो अपना वर्क करते जाते हैं, वो अपने हॉर्मोन्स के थ्रू क्या करते जाते हैं, उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करते जाते हैं। यानी कि जो फर्टिलाइजेशन की बात करता हूँ मैं, ठीक है, मिट्टी की जो होती है सोइल की जो फर्टिलिटी होती है, मिट्टी की जो उर्वरता उसको बढ़ाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वर्क करती है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम खाद डालते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, उसमें छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, उस खाद को जो होते हैं गोबर होता है उस मल को क्या करते हैं खाते जाते हैं, प्रजनन करते जाते हैं और वापस मल निकालते जाते हैं। वो जो चीज़ होती है वो सबसे ज़्यादा क्या होती है बेनिफिट्स होती है हमारे पेड़ पौधे के लिए, क्योंकि क्या होती है जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो नेचर के अंदर सबसे ज़्यादा फायदा देती जाती है, ठीक है। तो मिट्टी के लिए भी क्या होता है जो बाय खाद होती है जो गोबर का गाय का गोबर होता है वो सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी का इंक्रीज करने में काम करता है। और गोबर के अंदर आप सब जानते हो बहुत छोटे छोटे माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं या माइक्रोबॉब्स होते हैं, ठीक है, वो करते जाते हैं, वो प्रोडक्शन करते जाते हैं, पैदा होते जाते हैं और ये चीज़ इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं, इसके बाद आने वाली चीज़ होती है अब लास्ट चीज आ रही है अपने पास क्लीनिंग में। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं वो हमारी नेचर को क्लीन रखने में सबसे ज़्यादा वर्क करती है, ठीक है। जैसे हमारे घर में बहुत सारे हम कोई भी खाने की चीज़ होती है जैसे फल फ्रूट्स हो जाते हैं छिलके हो जाते हैं, ठीक है, या फिर कोई जानवर मर जाता है, ठीक है, इसको कहीं पे भी फेंक देते हैं तो ये क्या करते हैं ये जो माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं उन जानवरों को खाते रहते हैं, उन चीज़ों को जो छिलके फेंकते हैं इन चीज़ों को खाते रहते हैं, अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते जाते हैं, उस चीज़ को ख़त्म करते जाते हैं। वो ख़त्म करने के बाद वो चीज़ किस में मिल जाती है, वापस मिट्टी के अंदर मिल जाती है, उसके बाद वही चलता रहता है, फर्टिलिटी इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो क्या होता है बहुत सारे जानवर मर जाते हैं या पेड़ पौधे टूट के गिर जाते हैं या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बाय नेचुरली बनी होती है, उनके साथ क्या होती है बाय नेचुरली बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे मिट्टी के अंदर भी होते हैं पानी के अंदर भी होती है, ये क्या करते हैं वो चीज़ के कॉन्टेक्ट में आने के बाद उसको धीरे धीरे क्या करते हैं खाते रहते हैं, प्रोडक्शन करते रहते हैं, अपने आप को पैदा करते रहते हैं और धीरे धीरे बाद उस चीज़ को पूरी खत्म करने के बाद वापस क्या होते हैं खत्म हो जाते हैं, एक पूरी लाइफ साइकिल्स कंप्लीट हो जाती है। उसके साथ वो जानवर होता है या वो पेड़ पौधे होते हैं या जो फ्रूट्स होते हैं या जो छिलके होते हैं जो कचरा होता है वो सारा का सारा वापस क्या होता है मिट्टी में मिल जाता है, जहाँ से उगा था वहीं से खत्म हो जाता है। यानी कि सबसे ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में सबसे ज़्यादा हेल्प होती है वो आती है हमारे माइक्रोऑर्गेनिज्म में, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं इनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बहुत सारी मिला देते हैं, जैसे मिट्टी होती है उसमें पॉलीथीन मिला देते हैं कांच मिला देते हैं, तो क्या होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं उनके मर जाते हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें क्या होते हैं वो डाइकम्पोज नहीं हो पाती, डिकम्पोज नहीं हो पाती है, जैसे बहुत सारे जानवर डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं, जैसे कि गंगा होती है, गंगा जो हमारी रिवर है प्योर रिवर थी, ठीक है, वो प्योर है, उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को ख़त्म करते जाते हैं, उसमें बहुत सारे जानवर होते हैं उन चीज़ों को खा के ख़त्म कर दी जाती है ताकि पानी ख़राब नहीं हो उन चीज़ों से, लेकिन ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं उस वाटर को क्या कंटिन्यू बहुत सारा पोल्यूट कर देते हैं, अब पोल्यूट करने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं खत्म हो जाते हैं, इसकी वजह से वो क्या होता है वो पानी खराब हो जाता है उसमें बदबू आने लग जाती है, ये सब चीज़ें किसकी वजह से होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क नहीं करने की वजह से। पानी का जब पानी एक जगह रुका होता है उसमें से स्मेल क्यों आती है, क्योंकि उसमें से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो सारे के सारे क्या होते हैं टाइम के साथ खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो वाटर पॉल्यूशन हो जाता है, पोल्यूट होने के बाद उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह नहीं पाते हैं, तो सब चीज़ें होती जाती हैं। यानी कि हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में सबसे ज़्यादा जो हेल्प होती है वो होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी है वो हमने फ्रेंडली पढ़ी है, ठीक है, अभी हमारे लिए क्यों बेनिफिट आ रहे हैं अभी तक चीज़ों के लिए वो पढ़िए, ठीक है। आप एक बार ऊपर से लेकर चैप्टर को भी पढ़िए, आपको बड़ी इजीली चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। अब इसके आगे जो हमारे कोई वाला चैप्टर था सेकंड पार्ट में जरूर बताऊंगा, ठीक है, तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए।